भाग्य परिवार कहाँ शामिल नहीं होता है, मुझे एक बात बता दो। कुंडली भाग्य हर जगह शामिल होता है और बहुत ही मुद्दतों के बाद मौका मिला है कि किसी अवार्ड फंक्शन में जाने का, तो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी फॉर इट। या वी आर हैप्पी, लाइक ऑफ कोर्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ कुंडली भाग्य फिलहाल, आई गेस परिवार के और लोग धीरे धीरे थोड़े लेट हैं वो आते हैं, पर हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कोई भी अवार्ड जो है उसके मायने हमेशा अच्छे ही होते हैं और परिवार के किसी भी जन को मिले, वी सेलिब्रेट इट। आई थिंक एनीबडी हु गेट्स इट, इवन इफ वन पर्सन गेट्स इट, वी ऑल एज कुंडली भाग्य टीम ऑलवेज हैव बीन रिजॉइसिंग एंड वी सेलिब्रेट इट। तो कोई भी अवार्ड आए वेलकम है, जनता का ऑडियंस का प्यार है उसे हम सर आंखों पे रखते हैं। आज मुझे एक बहुत ही फेमस और अच्छी स्टाइलिस्ट ने स्टाइल किया है, उसका नाम है अंजुम फाकी। क्योंकि मेरी स्टाइलिस्ट ने बोला कि पैंडेमिक चल रहा है और शी कांट सोर्स एनीथिंग फॉर मी, तो मैंने बोला चलो आज मैं खुद को स्टाइल करता हूँ। सो आई हैव स्टाइल्ड माई सेल्फ इन लॉन्ग बूट्स, मिनी स्कर्ट्स एंड वाइट शर्ट, और क्योंकि आज का थीम है ब्लैक एंड रेड, जो मैं भूल गई थी, ब्लैक ऑब्लिक रेड। हाँ मेरी तो आज छुट्टी थी और बहुत दिनों बाद, तो मैं बहुत ही कैजुअल सा जो मुझे अच्छा लगा, मैं एक ब्लैक कुर्ता और ये पहन कर आ गई और ये एक पीस मैंने रखा जस्ट टू से लाइक नारी शक्ति जिंदाबाद। बट मैं तो बिग बॉस फॉलो नहीं करती, बट नहीं मैं, मेरी बेटी बिग बॉस फॉलो करती है तो मैं कभी कभी देखती हूँ और सभी अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं बिग बॉस के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करती, लेकिन मेरी बेटी देखती है इसलिए मैं कभी कभी बीच में से देख लेती हूँ। बट जीशान वी नो हिम अ बिट ओनली बिकॉज वो कुमकुम में है, हम मिलता रहता है, इज अ नाइस बॉय, आगे कैसे परफॉर्म करेगा लेट्स सी। नहीं मैं उसमें से बेसिकली किसी को जानती नहीं हूँ एक्सेप्ट कि, लेकिन मुझे वो जो लड़का है वो एक, उसका नाम क्या है वो प्रतीक, वो मुझे अच्छा लग रहा है। प्रतीक अच्छा, हाँ वो जो BCL में था जिसने मुझे यहाँ किस किया था, मैंने उसको उधर, वो मुझे ऑनेस्ट ऑनेस्ट लग रहा है, आई एम फाइंडिंग हिम ऑनेस्ट। नहीं आई थिंक ही वाज होस्टिंग सम ऑफ द सेगमेंट्स इन BCL, तो जिसमें वो आता है और मुझे कहता है कि ओहो लाइक यू नो आई वांट अ किस, तो मैं उसको उसके गालों पे किस देती हूँ एंड देन ही वाज लीविंग एंड आई एम लाइक मेरी किस का है, तो फिर वो मुझे किस देता है, दैट्स व्हाट ऑल आई नो अबाउट प्रतीक सेजपाल। सो आई थिंक ही इज नाइस एंड ही विल डू गुड इन बिग बॉस। या बिकॉज़ ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी अपफ्रंट, तो आई गेस सच काइंड ऑफ पीपल दे मेक द व्यूअर्स आल्सो एंजॉय इट, तो मैं उसको अभी फिलहाल सबसे अच्छा वही लग रहा है मुझे। कूल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रिपरेशन तो कुछ नहीं किया, सेट पे शूट कर रहा था, वहाँ से कपड़े पहने अपने लेकर आया था सुबह और यहाँ पे आ गया डायरेक्टली फ्रॉम द सेट। और अवार्ड्स आई डोंट नो, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, जो मिलेगा अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। आई एम ग्लैड कि लोगों को अच्छा लग रहा है एंड ये शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्लोज टू माई हार्ट है बिकॉज बहुत डिफरेंट एक कैरेक्टर मैंने किया है जो टेलीविजन पे करना बहुत ईजिली मिलता नहीं है, तो प्लेइंग विजुअली इम्पेयर्ड गाय, सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि अच्छा आपने किया और शो को भी पसंद करें उस टाइम स्लॉट के लिए, सो आई एम रियली हैप्पी। एज यू सेड रूमर्स ही थे वो और रूमर्स हैं, तो हम लोग हैं, हम भी एंटरटेन करने के लिए वील बी देयर एंड वी आर शूटिंग एंड बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स हैं शो के अंदर जो आने वाले हैं दैट पीपल विल रियली लाइक। ऑलराइट गाइस, बाय, सी यू। Hi guys, hi, thank you so much everyone. क्या कहते हैं अक्षय, इस तरह से अपमान की बढ़ती जा रही है शो की।
आई एम रियली यार सरप्राइज. पहले एक का था कि एक मिलेगा बट दो दो मिले. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड्स हैं मेरे लिए बिकॉज ये मेरा पहला टेलीविजन अवार्ड है और जिसमें मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है. तो आई एम रियली ग्रेट कि हमें ग्रेटफुल कि मुझे आइकॉनिक अवार्ड ने दोनों अवार्ड कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया एंड फाइनली आई हैव टू अवार्ड्स. शादी के बाद मीडिया के सामने पहली बार इस तरह से अपीयरेंस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शादी के बाद पहली बार तो अपीयरेंस है बट सी एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं अपनी वाइफ के साथ अवार्ड में आऊँ और ये मेरा पहला अवार्ड है जब मैं वाइफ के साथ आया हूँ. इससे पहले तो है बट एक ये स्पेशल अवार्ड है मेरे लिए कि मेरी वाइफ मेरे साथ में खड़ी है. सी एवरी वन शुड फर्स्ट कन्फर्म एंड टॉक टू अस बिफोर राइटिंग और प्रिंटिंग एनीथिंग. आई वुड जस्ट से कि मोमेंट्स रिलेशनशिप बहुत प्राइवेट होते हैं एंड यू नो इट्स आफ्टर लॉन्ग ऑफ सो मेनी ईयर्स वी फाइनली गॉट मैरिड एंड बिकॉज ऑफ आर हेक्टिक शेड्यूल्स वी वर नॉट एबल टू मीट बट जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग विदाउट कन्फर्मिंग द मीडिया प्रिंटेड इट. सो आई वॉज वेरी हर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. And especially being a doctor and not being from a part of this industry, so I'm not used to all this. So, but as you know, ki agar rishta jo hota hai, uski bunyad itni strong ho, to fir koi usko hila nahi. Akshay, aap kya kahenge? Aapne to react bhi kiya. एक्चुअली मैं सरप्राइज था जब मैं उठा और मैंने ये सब चीज़ मॉर्निंग में देखा कि हमारी एक फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी और मैंने कुछ ज़्यादा ही सरप्राइजिंग चीज़ देखी. तो शॉक था बट डेफिनेटली मैंने बात की मीडिया से, वापस मेरी बात हुई कि ये इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस बिकॉज वो सब जो न्यूज़ थी वो मेरे सॉन्ग के लिए थी. सो इट्स ऑल सॉर्टेड आउट, देयर इज नथिंग टू वरी एंड शी विल गेट टू यूज्ड टू इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. सबको मिलेगा, सबको मिलेगा. तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और रिशिता इज अ कैरेक्टर विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इसके लिए अवार्ड मिलना तो ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे. और मुझे तो पहले लगा ही नहीं था कि रिशिता के लिए प्यार भी मिल सकता है बट देन या पीपल अंडरस्टूड द कैरेक्टर एंड दे आर लविंग इट सो मच. आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू. सो ये तो ड्रेस कुणाल ने डिज़ाइन की है और बस रेड पहनना था मुझे. सुनाई नहीं दे रहा. पंडा फैमिली को काफी प्यार दिया जा रहा है हर एक किरदार को और आज की शाम में भी कितने अवार्ड बटोरने का जा रहा है. बस मेरा बस चलता तो मैं सारे हमारे लोगों को ही दिलवा देती क्योंकि पंडा परिवार है इतना प्यारा, मतलब इतना प्यार है कि रिशिता को बेचारे को ये प्यार झेला नहीं जाता. क्या कहेंगे किरदार उस तरह से तो रिएक्शन को आती है, मतलब कमेंट्स हर तरह से आते हैं, किस तरह से टैकल करती है, फेस करती है सिमरन रियल लाइफ में सारे कमेंट्स को? आई गेस मुझे सारी जितने कमेंट्स आते हैं भले वो अच्छे हो बुरे हो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ बिकॉज ऑल इज़ दैट अटेंशन दैट आई एम गेटिंग. एंड ऑल्सो आई फील दैट अगर किसी थोड़े से ग्रे या नेगेटिव कैरेक्टर को गालियाँ पड़े तो वो बहुत अच्छा कर रहा है इंसान. थैंक यू सो मच एंड लास्टली व्हाट यू वांट टू से टू योर फैंस? कीप लविंग मी. जितना प्यार दे रहे हो मैं तो सारा बटोर रही हूँ और देते रहिए और मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर लविंग रिशिता. थैंक यू बाय. बर्थडे पार्टी का है? आजीम से लूं.
थैंक यू जी. क्या बोल रहे मैं एक आंख इधर डालती हूँ एक आंख इधर. या So I think I've been nominated for the style icon and you guys all know about my style. So वो मेरे अलावा तो कोई और लेके जाना नहीं चाहिए. अगर कोई लेके जाएगा मैं छीन लूंगी. या सो माई स्टाइलिस्ट टेस्ट मी लास्ट मिनट. सो दिस इज माई मासी एंड माई मामा हु हैज मेड दिस गाउन फॉर मी लास्ट मिनट. सो दिस इज माई डिजाइन अगेन. आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस क्योंकि मैंने तो अपना सीजन भी फॉलो नहीं किया था ना वहाँ रह के फॉलो किया था. सो आई एम सपोर्टिंग निशांत. निशांत इज माई बडी एंड आई लव हिम सो मच एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द वन. आई थिंक येस्टरडे ऑल्सो आई सॉ फ्यू पोस्ट दैट इवन करण सर हैज अप्रिशिएटेड हिम. सो आई थिंक ही इज वन ओ टी टी फॉर बिग बॉस एंड आई थिंक ही इज डन डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. सो उनको लेकर एक बात ये सामने आई कि शमिता ब्लेम्ड सम फ्यू थिंग्स अबाउट हिम दैट ही डिड अ मिसबिहेवियर विद हर. उनके साथ मिसबिहेव किया था सैन पास में उनसे और उनसे बात नहीं करेंगे. अब कल के एपिसोड में उनसे बात भी करेंगे. सो सी इट्स बिग बॉस बाय द एंड ऑफ द डे. सो आई थिंक ये गिले शिकवे वहीं पे होते रहते हैं वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं बिकॉज आप सारी बातें नहीं देख पाते हैं. अभी तो चलो 24/7 चल रहा है वे यू कैन सी एवरीबॉडी बट व्हेन आई वाज देयर देन सो मच ऑफ द थिंग्स हैपन देयर दैट ऑडियंस डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग. आई वाज नॉट इवन शोन हाफ ऑफ द टाइम बट आई वाज डूइंग माय बेस्ट एंड इट वाज समथिंग दैट आई कांट इवन से अबाउट इट दैट व्हाट्स going on with what. So I think and Shamita and Nishant are very old friends I guess. Yes, so but, she had basically accused him of accused Nishant accused. I don't believe these rumors and I would say that Nishant is a lovable boy and he is not somebody who would ever say something to any guy or a girl until it's required because Nishu comes with the issue. That's a very pet line of him. And yeah, so yeah. Okay, lastly, एक चीज़ जानना चाहूँगी जिस तरह से सलमान थे अभी तक आपको सलमान का होस्टिंग पसंद आया था या करण जो और होस्ट करे वो भी आपने देखा या आपको कैसा लगा? See, I have already worked with Karan sir in my previous show, India's Next Superstar, and as an host, he's amazing. I mean, I think he's witty, sassy, everything in one mixture. Or with Salman sir, either he's serious or he's funny. I think Karan sir. जो कहते हैं ना कि कह के लूंगा करण सर इज दैट. करण सर एक बार शुरू होते हैं एंड ही डजंट स्टॉप विच आई लव अबाउट हिम एंड व्हेन ही से थिंग्स इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल आर गोइंग टू फील बैड अबाउट इट और बिकॉज ही जस्ट विद अ फ्लो वो सबकी लगा देते हैं व्हाट एंड पता भी नहीं चलता. सो आई थिंक ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. थैंक यू. हाँ आफ्टर आई थिंक कोविड मैं पहला फंक्शन ज्वाइन अटेंड कर रही हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी वर्ल्ड ओपनिंग अगेन. सो या थोड़ा राइट राइट राइट
कौन सी कैटेगरी? मैं नेगेटिव कर रही हूँ तो ऑफकोर्स नेगेटिव कैटेगरी होगा, या सॉटन कैटेगरी में काफ़ी बार नॉमिनेशन हुआ है, सो आज भी वही नेगेटिव कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ है, एंड आई होप अवार्ड्स लेके जाऊँ. इट्स हार्ड, इट्स टोटली डिफरेंट, बट आई एम मिसिंग कि मैं वो रोज़ रेडी होती थी, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनती थी, एंड ये पूरा अपोजिट है. इसमें कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता, सो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि मैं 15 मिनट में रेडी हो जाती हूँ, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया है अब तक, बट आई नो ज़ीशान इज़ डूइंग गुड इन दैट, एंड अच्छा चल रहा है, इट्स 24/7 लाइव, तो जब देखना आप मिस नहीं करोगे. हाँ, नो डाउट पूरी स्टोरी मिस हो जाती है इस चक्कर में, बट कभी कभी मौका मिलता है तो इंस्टा पे या बूट पे जाके देख लेते. थैंक यू सो मच, थैंक यू. आई थिंक लोग बहुत दिन बाद देखे भाई, लेकिन मजा है ना, देख के सबको बहुत अच्छा है. आलिम का वरना खाली छोटू दिखता है. अरे अरे माफ करना. अरे बस तेरी तरह हॉट नहीं हूँ, और जैस्मिन की तरह कूल नहीं हूँ. वैसे इन दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे. ये मेरी बेटी कर सकती है. थैंक यू. हाउ आर यू ड्यूरी? वेरी गुड मैम, सो नाइस टू सी यू बोथ देयर इन दैट बिग बॉस आल्सो, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट. चलो बाइट, आ बाइट, चल दोनों साथ ही कर देते ना. ये दे दे अली बाइट. रोशन मीडिया का शादी हो गई, काफी दिनों बाद हमारे सामने इस तरह से आई, क्या कहेंगे अब सबकी सबकी फेवरेट जान अली फाइनली आज आपसे मिल रहे हैं. हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत दिनों बाद सबसे मिले हैं, वेरी हैप्पी, एंड फैंस जो इतना प्यार करते हैं उनकी वजह से यहाँ खड़े हैं. ऐसा कुछ नहीं है, ही इनवाइटेड अस विद ऑल द लव, सो वी थॉट वील गो, बिकॉज ये प्यार ही है जिस वजह से हमें इनवाइट किया गया है, सो वी थॉट वील गो सेलिब्रेट विद हिम. Yes, I just got myself a small house. I was living on rent in Bombay for years. How it feels ki aap jaise aapne kaha kafi samay se aap akele reh rahi thi aur itna struggle karke, how it feels when you get your house? It feels great. You feel you get your own house. You get that confidence ke okay, now you are a part of the city permanently, you have a roof over yourself. जी, क्योंकि आप दोनों का जो सॉन्ग आया था अभी अभी टू फोन, लोगों ने बहुत पसंद किया. नेक्स्ट जैस अली को कहाँ देखने वाले हैं? हमें तो रोज देखते हो इधर उधर सड़क पे, छोड़ते हो ये लोग हमको, छोड़ते कहाँ हैं, जहाँ जाते हैं. नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कहाँ है? नेक्स्ट तो अभी आ रहा है, बट अलग अलग है. साथ में गाते हो? अगर बात करें इस बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, गोल्ड एंड टॉप, करण जौहर होस्ट है, आपने कुछ तो हाँ मैंने देखा, नया कॉन्सेप्ट है और स्पेशल शो है मेरे लिए, तो मुझे मज़ा आ रहा है देखने में, इंजॉय कर रही हूँ, एक डिफरेंट फॉर्मेट है, और द बेस्ट पार्ट इज 24/7 है, सो जब मन करे आप उठ के देख सकते हो, यू नो इट्स ऑलवेज देयर, समथिंग इज हैपनिंग, सो इट्स फन, आई एम एंजॉयिंग इट. एंड कल मैंने देखा वीकेंड का वार करण सर का भी, इट वॉज अमेजिंग, सुपर एंटरटेनिंग. मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया, मैं देखा नहीं, बट जितना भी दिखा अच्छा लगा, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स लिए, इंटरेस्टिंग है सब बहुत. तो एक दिन बैठ के सारा देख लूँगा, OTT का यही फ़ायदा है ना, एक दिन बैठ के सब देख लूँगा.
अभी इट्स टू अर्ली, एक ही वीक हुआ है एंड एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बिट, और ऐसे सवाल के जवाब से झगड़े हो जाएंगे या मैं फिट रहना चाहूं। अच्छा, और भी अ कनेक्शन थीम इस बार #stayconnected, आप भी एक उसी तरह के एग्जांपल इस तरह से कनेक्ट हुए और एक इस कनेक्शन को फैन से बेहद प्यार किया, आपको क्या लगता है अभी जो है घर में उनमें से कोई कनेक्शन जोड़ी जो आपको लगता है अच्छा खेल रही कर रही है? आप फॉलो करते हैं? They all good. मैं ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगी, because सब अपनी तरफ से कुछ दोस्त हैं यार अपने, तो of course सुनील है, शमिता है, दिव्या है, रिद्धिमा is a friend, रिद्धिमा is very good friend, उर्फी है, पता नहीं वो शायद बाहर आ गई, हाँ, so yeah मतलब ये सब लोग I know them, so जिनको जानते हैं उन्हीं को बंदा सपोर्ट करता है, आप उनको जानते हैं उनको समझते हैं तो यू ऑलवेज लाइक देम मोर। बोलो तू ना, मैं तो देता रहता हूँ। सो टू ऑल द जैसली फैंस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच, आप लोग हमारा हर दिन इतना स्पेशल बना देते हैं बाई सेंडिंग योर विशेज, योर लव, एंड वी नो यू वर्क रियली हार्ड, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर इट, एंड स्टे टुगेदर, स्टे हैप्पी, स्टॉप फाइटिंग, जस्ट चिल। मैं सच बताऊँ मैं कभी अवार्ड फंक्शन में जाता ही नहीं, मैं कभी नहीं जाता, हमेशा इनवाइटेड नॉमिनेट होता हूँ फिर भी नहीं गया हूँ कभी, बट इस बार बहुत सारे रीजंस है, ये भी है कि एक्चुअली आई मिस्ड ऑल दिस, यू नो इतना घर बैठ गया सब, इतना लोगों को देखने का इतना शौक आ गया कि जाने का मन करता, तो आई थॉट कि चले जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स ही इनवाइटेड, काफ़ी प्यार से उन्होंने बोला तो मैं आया, एंड तो इसीलिए मेले तो अवार्ड तो मुझे मिल रहा है, मेरी जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है, तो मेले तो वही अवार्ड है, एंड ये तो फिर बोनस होते हैं, चेरी ऑन केक। हाँ जी, सी फॉर मी अवार्ड इज अ टोकन ऑफ लव व्हेन यू नो वी आर अप्रिशिएटेड एंड एक्सेप्टेड फॉर व्हाट वी डू, तो एक तरीका होता है आपको यू नो टू या अ टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन फॉर एवरीथिंग दैट वी डू टू एंटरटेन आवर फैंस, तो इट फील्स ग्रेट, इट फील्स रियली नाइस। वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, मैं उनको बहुत साल से जानता हूँ, एंड शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट आई थिंक देयर, एंड इवन रियल लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वो जीतती भी हैं तो मैं शॉक नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे क्या, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मज़े मत, मज़े I have been nominated for Actor of the Decade Award, which is too much for me. बीस साल हो गए मुझे टेलीविजन करते,
2002 में एक्चुअली तो 19 साल हो गए टेलीविजन करते और मैंने शुरुआत की थी लिपस्टिक सीरियल से. उससे पहले मैं सिर्फ फिल्म्स और एड्स करती थी. सो टेलीविजन बहुत अलग मीडियम है कंपेयर टू फिल्म्स एंड एड, लेकिन अप्रिसिएशन टेलीविजन का जो है वो भी बहुत अलग है. उसकी अप्रोच, उसकी रीच, उसका जो फेम है वो भी दूसरों से बहुत अलग है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ टेलीविजन एक्टर एंड देन पीपल से यू आर अ टेलीविजन एक्टर, आई एम वेरी हैप्पी. फैन से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितना आप लोग मुझे चाहते हैं मैं भी आप लोगों को उतना ही चाहती हूँ. तो जब मेरी इंस्टाग्राम पे आप लोग कमेंट्स लिखते हैं तो कई बार मैं इसीलिए रिस्पॉन्ड करती हूँ क्योंकि आप अपना वक्त मुझे दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. आप किसी को पैसा, धन, दौलत, बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती चीज़ उनको दे रहे हैं और आप हमें अपना वक्त देते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. फिर होने के बाद भी शो इस तरह से ट्रेंडिंग है, वन शो जजमा हो इश्क में मर जा, क्या कहेंगे आज अवार्ड की शाम में इसी शो को लेकर और किरदार को लेकर अवार्ड मिल जाए, व्हाट यू वांट टू से राहुल? It feels really nice to be here. बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है. Let's see what happens. Okay, awards की अगर बात करें तो कितनी excited हैं इसका? Oh, very excited. इसके लिए nominations की अगर बात करें कहाँ पर nominated हैं? I think कुछ actor की category में कोई nomination है. I haven't checked, but yeah, I mean it's nice to be here and to actually have a little moment of happiness after a while. Well, it depends on the story, of course. If the story is nice, why not? Oh, but if the same story progresses, no, then no. Oh, we're very humble, man. Very humbled, very grateful, very thankful. There's nothing, you cannot articulate it. So, really. You can never plan these things in the industry. So whatever comes, whatever nice comes, hopefully something really nice comes very soon. So yeah. Thank you so much for voting. Just hopeful something really nice happens today. Thank you so much. Thank you. कमाल हो आप, कैसे हो? जबरदस्त होते जैसली इसका बर्थडे है आसिम का. हैप्पी बर्थडे आसिम. आसिम का बर्थडे ये वाले आसिम का. अभी जिम पे मिले थे ना आपको, अभी मॉर्निंग में मिलेंगे सर वापस. फिर केक नहीं काटेंगे आसिम भाई, केक नहीं काटेंगे. ये बोल रहे हैं काम बड़े दिन भी काम करवा रहे थे. सर एक शर्ट का मतलब
Oh, it's a very great feeling. Absolutely, me and Lavesh were thrilled to come down for this award function. And yeah, I think he was like little, he was like, what am I going to do there? I said, just come. So I'm super excited. I don't know if I'm getting it or not, but I've been nominated for Best Jodi, of course, with Kinshra Mahajan, and Best Actress. बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जब आपका कैरेक्टर और आपका किरदार सराहा जाता है, जब लोग आपको पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं. और आई थिंक जितना प्यार मुझे पंड्या स्टोर धरा के किरदार से मिला है, शायद ही मैंने कभी इतना प्यार बटोरा होगा. सो सुपर ब्लेस्ड, ग्रेटफुल एंड इमेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड. So the theme is black and red. So we both coordinated. I said, baby, you should go for a black tuxedo and I'll go for a red gown. You gotta tell her how am I looking. She makes every dress look the best because it's her. She makes everything look best. Everything else is fine. Guys, thank you so much for all the love. I'm here standing tonight for an award function, and it's all because of your love. I could be nominated in two categories. Dhara is yours as much as it's mine. अरे नो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू माय गाइस रोलिंग अपन प्रिटी इन ब्लैक ब्यूटी ब्लैक लगी आज अपनी लुक के बारे में. थैंक यू सो मच. एंड लुक के बारे में ऑफ कोर्स जैसे कि मैं हूँ वेरी लास्ट मिनट, एंड दिस ड्रेस इज़ बाय पिंकी एंड शशांक आई कैंडी, जिनकी स्टाइलिंग को मैं ब्लाइंडली फॉलो और ट्रस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज दे नो माई स्टाइल, दे नो हाउ आई एम. एंड ब्लैक बिकॉज इट इज़ माई कलर, एंड यू नो इट्स अ कलर जो हमेशा हर ओकेजन पर अच्छा लगता है, एंड इट्स पर्सनली वन ऑफ माई फेवरेट्स. सो अगेन कीपिंग द आई वॉन्टेड नॉट टू गो ओवर द टॉप विद द मेकअप एंड द हेयर, सो इट्स वेरी एलिगेंट, वेरी नाइस, वेरी मी. आप उसका वेट कीजिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो डिस्कशन में आपको अवार्ड अपने हाथ में लेकर करूँ इफ आई एम गेटिंग वन. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू जस्ट गो एंटर, एंड इतने दिन से बिकॉज कोविड सिचुएशन है तो आई एम नॉट एबल टू मीट माई फ्रेंड्स, किसी से मिल नहीं पा रहे, किसी को देख नहीं पा रहे, गेट टुगेदर्स नहीं हो रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड, मीट एवरीवन एंड जस्ट चिल विद एवरीवन, सी हाउ एवरीवन इज लुकिंग. I feel Pavitrishta is a, it is an emotion now, it's not a show anymore, of course, because everyone is so connected to Sushant, and we were like, me, Ankita, we all were like a family, Ankita is still my family, so I think wo dobara se us show ka aana is an emotion for everyone, like even when I'm talking right now, I'm feeling so emotionally, you know, like I have no words to it. Aur jo ho gaya hai hamare saath last एक साल में, नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो उसकी वजह से पवित्रता के साथ जो इमोशंस कनेक्टेड हैं वो बताए नहीं जा सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि शहीर और अंकिता उस चीज़ को जस्टिस करेंगे, और मुझे लगता है कि शहीर के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो वी ऑल शुड बी वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम, क्योंकि यू नो अगेन क्रिएटिंग दैट केमिस्ट्री, और जो एक अर्चना और मानव की चीज़ है जो कि इतने अब इतना प्योर उनका रिलेशनशिप हमने पवित्र रिश्ता वन में देखा है, आई थिंक कि वो कंटिन्यू होगा. देखिए अंकिता के साथ तो मैं हमेशा बायस रहूँ क्योंकि वो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और लगती रहेंगी, एंड आई नो शी इज़ अ फैब एक्टर,
तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैंने उनका एज सच अभी तक सिर्फ जो पोस्टर्स देखे हैं वो देखे हैं एंड आई थिंक दे आर लुकिंग प्रिटी नाइस टुगेदर. थैंक यू सो मच. I absolutely am so sorry, but I don't have any idea about the category, but I am genuinely very excited. I think it looks great and I love the theme as well. So. Black and red ki theme hai, liye aapne black and red lipstick ke saath se pura kiya hai, kya kahenge look ke baare mein? I think I love it. I think it's just a nice plain satin dress and I just tried to keep it very minimal. But I also wanted to give a tint of red, so just some blood red lipstick, it never goes boring. So yeah. Oh, I absolutely miss the show and I absolutely miss shooting for Pinjara. Unfortunately, there were some consequences jiski wajah se show band hua, but I think it's alive in my heart forever and you never know about the season 2. Okay. So, yeah. Okay, koi upcoming projects ki agar baat karni hai to kahan dekhoge fans? See, honestly, I am going to prioritize web films or advertisements more. So maybe wahan, but I honestly have no idea. I am in talks with some production houses regarding web series, but nothing confirmed yet. I don't want to put it out anything yet. Thank you, Ria. Thank you. Okay, thank you. Bye, everyone. Thank you. Ria, थैंक यू सो मच एंड रियली रियली ग्लैड कि इतना पसंद किया आप सबने, होने लगा तुमसे प्यार एंड काफ़ी मिलियंस छू चुका है ऑलरेडी गाना एंड इट्स रियली गोइंग गुड एंड थैंक यू टू ऑल माई फैंस फॉर लविंग. अभी तक शूट हुआ नहीं है बट होपफुली जल्दी हो जाएगा एंड जितना आप लोग प्यार देंगे हमारी फर्स्ट सॉन्ग को उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको सेकंड सॉन्ग मिलेगा. फॉर द स्टाइल आइकन एंड थैंक यू सो मच फॉर नॉमिनेटिंग मी आइकॉनिक अवार्ड्स एंड आई एम सो 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 ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. मुझे बोला गया था कि या तो रेड या तो ब्लैक, सो आई ऑलवेज वुड चूज ब्लैक. सो
I think, yeah, I'm wearing this suit, which is very funky, and I just wanted to, you know, go really bold on the shoes and everything. So that's what I've done, and I've put together a very simple and elegant look. Reality shows to nahi, but something much bigger, I hope. Anirudh's team, I want you all aage, please. Talking about Anushka's game, to uske game Yeah, I have seen how she's played and bahut hi acha unhone khela hai and I'm really happy for her. She's very, very strong and she's very bold and I really love that about her and I wish her all the best. Cool? Abhi filhal I'm focusing on something else. Hopefully bahut hi jaldi you guys will see it on my social media and actually not only on my social media, everywhere. So yeah, that's all I can say for now. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, this is the moment we're all waiting for, presenting the spectacular international iconic best actress from the Indian television. Please join me in congratulating Miss Shaini Doshi. Thank you. मैं यही बताना चाहूँगी दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे डेफिनेटली एंड इट फील्स रियली गुड दैट यू नो आप दोनों चीज़ें साथ में बैलेंस कर पा रहे हो एंड येस आई गेस हार्ड वर्क इवेंचुअली डज पे ऑफ एंड इट पेड ऑफ इन द टर्म्स ऑफ 93% दैट आई गॉट सो 94% दैट आई गॉट So it wasn't that I wasn't working, I was definitely working. So even when I'm traveling, I had all my books with me. And मैंने papers काफ़ी solve किए. I you know got the sample papers, the papers of last year. And I just read the books thoroughly and practice. well, there are a few interesting things that are coming up, but उसमें थोड़ा सा time है, so you'll have to wait a little bit. But I'll keep you all posted, and I'm sure you guys will love it. Song आने वाला है, अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में. Definitely soon, very soon. Something very interesting coming up, but I'm yet to shoot for it. Thank you. So I've been styled by Mohit Kapoor and I'm just wearing this one set. She's been doing very well, especially with the insects. And I've been watching all the contestants. Everybody is very strong. So I hope the best person wins. मुझे आया था खतरों के खिलाड़ी का बट देन बिकॉज यू नो आई एम अंडर 18 एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई एम रिक्वायर्ड टू डू ओवर देयर सो व्हिच इज व्हाई आई काइंड ऑफ कुडंट डू इट दिस टाइम अगर मैं कभी जाऊंगी फ्यूचर में तो मैं प्रिपेयर होकर जाना चाहूंगी ऑलराइट थैंक यू हाउ यू कांग्रेचुलेशंस सो प्रिटी जवास आज आपको अवार्ड मिल गया है क्यूट कपल अवार्ड मिलने वाला है कैटेगरी में निभा लेके जा रहा हूँ अवार्ड में और तुम क्या पूछोगे मैं यही बता दूंगा आई एम द सी इन द क्यूट यार ये सब करती हैं मैं तो देखता हूँ इनको तो हो जाता है अपने आप क्यूट We are actually very compatible. Obviously, her husband wife hote hain, but like we were in a mess when we actually met. Then we started playing chess, and now I'm the queen and he's the king. Line सोच के आई थी इसको बोलनी ही बोलनी थी. नहीं,
जैसा वो वीडियो होता है ना वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो 1500 बार वाला टेक होता है, क्योंकि 1500 बार डांट पिट चुकी होती है, ये एंगल, ये लाइट, मैडम को अगर गलती से डायरेक्शन दे दिया जाए तो भाई वाट है सबकी। तो लकीली जो आता है फाइनली वो मैम जो अप्रूव करती है 1500 टेक, वो अच्छा ही होता है। Yeah, so yeah, social media pe we are pretty active and we are pretty excited about. Thanks to him because I'm not social savvy at all. मतलब इनका देख देख के मुझे ऐसा लगता है कि okay कुछ करना चाहिए। देखा? अरे जैसा सोचा था कि आपके marriage life होगी वैसा ही हुआ है या फिर क्या कुछ changes हो रही हैं? उससे भी better, जिससे सोचा था उससे better. It's better. Yeah. एक message to all the viewers. एक message to all the viewers, baby, go ahead. Guys, love each other, spread love around, be happy all the time and be positive. Times are tough, but hum logo ko sabko, we have to be tougher and take each day as it comes. And wear a mask. Nahi, but don't worry about the future, just live in the present, I must say. Cheers. Yeah, thank you so much. Bye-bye, see you. बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसे कैरेक्टर को अप्रिशिएट किया गया है जो इतना कॉम्प्लेक्स है, सो रियली फील गुड एंड आई एम टेकिंग वन फॉर द टीम, सो थैंक यू सो मच। वेरी वेरी एक्साइटेड, इट्स वेरी टायरिंग, इस कंडीशन में हम लोग जो काम कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट और फिल्म भी बहुत अच्छी निकल के आई है, सो आई होप एवरीबडी लाइक्स इट। फैंस तो एक्चुअली बहुत स्वीट हैं, यू नो वेदर यू विन वेदर यू लूज और वेदर यू आर जस्ट डूइंग एनीथिंग दे ऑलवेज सपोर्ट यू, तो बिग शाउट आउट, बिग थैंक यू टू देम। ये मेरा पहला इवेंट है तो आई एम रियली एक्साइटेड कि थोड़ा सा नॉर्मल सी लग रही है मुझे, तो अच्छा लग रहा है। ट्रेलर का तो मेकर्स ही बता पाएंगे, शूट टोटली रैप हो चुकी है, अभी थोड़ा बहुत पैच वर्क अगर बाकी रहेगा तो रहेगा, बट इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स हाई ऑक्टेन एनर्जी, बहुत सारे थ्रिल्स हैं इसके अंदर एंड यामी इज डन अ फैबुलस जॉब, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। Like I said, they are so, so, so sweet. So I really, I'm out of words, you know, and I want to thank them. Maybe wo support dete hain. Season 2 ki start hai. Chances andaz aap se janna chahenge. Kya bol rahe hain? Can you repeat the question? Agar aisa hota hai, to bahut achhi baat hai, because we'll left the show on a high note, and bahut sari aisi moments hain जो हम कैप्चर कर सकते हैं। Obviously it's the maker's call, but we are really happy with whatever love we've got. अच्छा आप दोनों की इच्छा लगने के लिए मुझे लगता है फैंस काफी ज़्यादा बेचैन रहते हैं, जब हम लोग साथ में भी आते हैं तो उसे काफी ज़्यादा वो लोग कमेंट्स के साथ रूम प्यार देते हैं, तो how does it feel when after a show also fans are showering so much of love? It feels good, yeah. I mean, yeah, love is like endless, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है किसी भी किसी एक्टर के साथ ऐसा होते हुए। So I really feel nice and they are really, really sweet. I really feel nice. Thank you so much. And what is your take when fans just don't want you to just share screen with some other actors? Because ये भी काफी बार होता है कि वो नहीं चाहते कि आप किसी और एक्टर के साथ भी काम करें, तो how difficult is it? अच्छा दूसरे रोल में तो चाहते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट है, चलो at least they are nice in that way, so thank you.
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपके राइट पे दूसरों को मौका दीजिए।